दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसे मराठों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, और ये शख्स है रोहिलखंड का शासक नजीब खान रोहिला। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही लौटिएगा। हाँ तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई सारे चालाक, शातिर और धोखेबाज शख्स पैदा हुए हैं। अगर ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो इस लिस्ट में नजीब खान रोहिला का नाम काफ़ी ऊपर लिखा जाएगा। मराठा इतिहास में नजीब खान रोहिला का उल्लेख जब भी किया गया है तो उसका उल्लेख गाली देकर ही किया गया है। तो कौन था ये नजीब खान और ये मराठों का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया था, जानते हैं नजीब खान रोहिला का इतिहास। नजीब खान रोहिला का असली नाम नजीब खान उद्दौला था। नजीब खान एक यूसुफजई कबीले का पश्तूनी अफगानी पठान था। वो अपने चाचा बशरात खान के कहने पर अफगानिस्तान से 1739 में हिंदुस्तान में आया था। उसके गांव का नाम मानरी था, जो कि आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। मुगल काल से ही अफगानी पहाड़ी लोग भारत में स्थलांतर करके बस रहे थे। ये लोग ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाके में बस गए थे। लोगों को रोहिला कहा जाता था। रोहिला का मतलब पहाड़ी लोग। ये यूसुफजई कबीले के पहाड़ी लोग बड़े ही लड़ाका किस्म के थे और ये मुगल सेना में भर्ती हुआ करते थे। लेकिन बाद में इन लोगों ने इस क्षेत्र में अपना एक दबदबा बना लिया था और अपने लिए एक स्वतंत्र राज का निर्माण कर लिया था और इस क्षेत्र को रोहिलखंड के नाम से जाना जाने लगा। पर इस इलाके का प्राचीन नाम कटेहर था। अली मोहम्मद खान ये रोहिला सल्तनत का संस्थापक था और नजीब खान का चाचा अली मोहम्मद खान के यहाँ सेवा में था। बाद में अफगानिस्तान से आकर नजीब खान भी अली मोहम्मद खान के यहाँ सेना में काम करने लगा। अली मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे सादुल्ला खान को अपने पिता की जागीर दिलाने में रहमत खान और दुंदे खान ये दो सरदारों ने मदद की थी। और फिर सादुल्ला खान के नवाब बनने के बाद इन दोनों सरदारों को उसके दरबार में बड़े पदों पर नियुक्त किया गया था। और फिर अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के बाद नजीब खान की शादी दुंदे खान की लड़की से की गई। ये शादी करने से नजीब खान के जीवन में एक नया मोड़ आया। इस शादी से नजीब खान की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी और उसे चंदनपुर, नगीना, शेरकोट, पिंजौर और मुरादाबाद के कई आसपास के क्षेत्र उसे मिल गए। आगे नजीब खान ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो अपने दिमाग, अपनी चालाकी और साहस के दम पर आगे ही बढ़ता चला गया। बहुत कम ही समय में नजीब खान मुगल दरबार में एक बड़े पद पर चला गया। नजीब खान अपने पठान वंश को मुगल सल्तनत पर देखना चाहता था, पर 1751 से लेकर 1753 के बीच वजीर सफदरजंग और बादशाह दूसरे आलमगीर के बीच हुए संघर्ष में उसने अचानक बादशाह का साथ दे दिया था और बादशाह को जंग में जीत हासिल करा दी थी। बाद में नजीब खान पूरे सहारनपुर का गवर्नर बन गया था। उस वक्त भी नजीब खान मराठों के खिलाफ साजिशें करता ही रहता था। और जब अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में भारत पर हमला किया था तो अहमद शाह अब्दाली के साथ नजीब खान मिल गया था। उसने अहमद शाह अब्दाली को पूरी मदद की थी। अहमद शाह अब्दाली ने उसे मुगल सल्तनत का मीर बख्शी बना दिया था। पर उसी वक्त अब्दाली को कुचलने के लिए रघुनाथ राव पेशवा के नेतृत्व में एक बड़ी फौज दक्कन से उत्तर भारत में आ चुकी थी और 1757 में हुई दिल्ली की लड़ाई में मराठों ने नजीब खान को बुरी तरह परास्त कर दिया। मराठों ने इस युद्ध में उसके हजारों सैनिक मार गिराए और उसे जिंदा पकड़ लिया। मराठे नजीब खान को जान से मार देना चाहते थे, पर चालाक नजीब खान ने
उत्तर भारत के बड़े मराठा सरदार मल्लार राव होलकर से पहले से ही अच्छे रिश्ते बना रखे थे और मल्लार राव होलकर के आग्रह से ही नजीब खान रोहिला को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और यही मराठा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मराठों ने उत्तर भारत के इस अभियान में अब्दाली की सेना को कटक के उस पार खदेड़ दिया और अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। मराठों के इतने शक्तिशाली बनने से उत्तर भारत के कई मुसलमान मराठों को इस्लाम के ऊपर एक खतरा मानने लगे थे। इन लोगों में शाह वली उल्लाह, कुतुब शाह और नजीब खान जैसे कई लोग शामिल थे। इन लोगों ने मराठों के खिलाफ जिहाद का पैगाम दिया और फिर नजीब खान ने बड़ी चालाकी से अहमद शाह अब्दाली को मराठों से जंग करने के लिए वापस भारत बुलाया और उसने उत्तर भारत के मुसलमान शासकों को मराठों के खिलाफ एकजुट कर लिया। और पानीपत के तीसरे युद्ध में नजीब खान ने मराठों को हराने के लिए काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई और अगले कुछ सालों तक मराठा शक्ति को उत्तर भारत में कमज़ोर करने में नजीब खान सफल हुआ और अगले 10 सालों तक वो दिल्ली सल्तनत का मीर बख्शी बना रहा और अपना मनमानी काम करने लगा। इन सारे कारणों से नजीब खान को मराठों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया। उसकी चालाकी और साजिशों की वजह से मराठों को काफ़ी नुकसान झेलने पड़े थे। उसके मरने के बाद मराठों के 1772 के उत्तर भारत के अभियान में मराठों ने उसकी रियासत को तबाह करके रख दिया था और उसकी कब्र को भी नुकसान पहुंचा दिया था। पर जीते जी उसने मराठों को काफ़ी परेशान कर रखा था। पर बेशक वो उस जमाने का काफ़ी चालाक और शातिर शासक माना गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।